यहाँ पे कछुआ है छोटा सा छोटा सा, अभी इसे ना बाहर निकालता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप? तब ठीक ठाक है? तो मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, तो नज़रा जुकाम ही हुआ हुआ। तो वैसे अभी इस वक्त मैं धूप में सिर्फ टैंकी भरने के लिए आया हूँ। पिछले तकरीबन 3-4 दिन से ना तो हमसे एक मिस्ट्री जो है वो सॉल्व नहीं हो रही। तो आपने अगर मेरी वीडियोज़ देखी हैं यकीनन देखी होंगी, जो कि सांप वाली है, तो वो मिस्ट्री जो ना वो सॉल्व नहीं हो रही। तो हमें स्नेक मिल नहीं रहा अभी तो फिलहाल। मैं आज भी गया था मकान में, तो मकान में कोई भी नहीं था। तो एक मरतबा मैंने नज़र मारी है, मुझे कोई स्नेक नहीं नज़र आया। लेकिन मजदूर बता रहे हैं कि उन्होंने उसकी स्किन भी उठाई है, क्योंकि उसने यहाँ पे आके अपनी स्किन भी उतारी है। तो मुझे नहीं समझ आ रही स्नेक कहाँ है, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा छान मारा, हमें स्नेक नहीं मिला। तो अभी है ना फिलहाल मैं चेक करूँगा यूट्यूब पे वीडियोस कि स्नेक को ट्रैप कैसे करते हैं, अगर स्नेक का शिकार करना हो तो वो कैसे करें, कैसे उसे बाहर निकालें। तो पहले तो वीडियोस देखेंगे, अगर कोई ऐसी वीडियो मिल गई तो फिर स्नेक का ना कोशिश करेंगे उसे ट्रैप करने की। शायद प्रोग्राम बन जाए हमारा, शायद ना बने, तबीयत भी इतनी मेरी ठीक नहीं है, शायद मैं ना भी जाऊँ। स्नेक को ट्रैप करने की जो मैं कोशिश कर सकता था वो तो आपने देख लिया है, काफ़ी ज़्यादा पिछला व्लॉग पता आपने देखा नहीं, काफ़ी ज़्यादा फनी था। अगर आपने अभी तक नहीं ना देखा तो जाके देखें, ये इसके पहले जो व्लॉग है तो काफ़ी ज़्यादा फनी व्लॉग है, काफ़ी ज़्यादा फनी एक्टिविटी की है। तो वो आप जाके देखिएगा व्लॉग लाजमी, और लाइक भी कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। टैंकी भी हमारी बढ़ गई है तो इसे भी बंद कर देते हैं। अभी भी खाना खा लेते हैं। तो खाने में आज क्या बना है? चावल बने हुए हैं, गोश्त वाले चावल। तो अभी खा लेते हैं ये खाना। अभी थोड़ी देर पहले ना तो मैं छत पे था, तो कितनी तेज गर्म धूप निकली हुई थी, बाद में बारिश हुई है यहाँ पे। ये चेक करें सड़कों का हाल, और दोबारा धूप जो है दोबारा निकल आई है। तो अभी मैं तो बाहर निकला हूँ और धूप अभी निकल आई है, तो बाहर बारिश भी हो रही है, धूप भी है, दोनों काम साथ साथ ही हो रहे हैं। एक मौसम इतना प्यारा हुआ, ऊपर से तबीयत जो है वो साथ नहीं दे रही। तो मैं तो सो गया था, तकरीबन आधा पौना घंटा सोया हूँ। तो अभी उठ के छत पे आ गया और चूज़ों का मैंने बाहर निकाल दिया। मैंने कहा जरा घूम फिर लें और मौसम इंजॉय कर लें। वो भी तो वो सामने सूरज वाला मंजर चेक करें, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंजर है। तो वैसे हमारा जो आज प्लान था ना मेरा कि स्नेक को ट्रैप करने का, तो अभी मेरा ना तबीयत के हिसाब से अभी नहीं बन रहा प्लान। तो वैसे भी शाम हो गई, तो अभी जाने का फ़ायदा कोई नहीं वहाँ पे। अगर मूड बन गया तो चल भी जा भी सकते हैं, लेकिन अभी 5:30 हो गए हैं, तो 6 बजे तकरीबन मगरब हो जाएगी, 6:15। तो अभी जाने का फिलहाल फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये चिड़िया वगैरह भी वापस जा रही है अपने घोंसलों को। पैर बोर ही हो रहे हैं, तो अभी चलते हैं बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा सा मौसम एंजॉय करके आते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा है। नवीब भाई भी बाहर आ गए। यहाँ पे कछुआ है छोटा सा छोटा सा, अभी इसे ना बाहर निकालता हूँ। निकल बाहर, बाहर निकल, ये चेक करें। अभी ये भाग गया, भाग गया अंदर, भाग गया यहाँ पे, भाग गया, वो जा रहा है, वो चला गया अंदर चला गया। अभी इधर था, मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो उसकी बनी नहीं है, तो सड़क इधर मैं पे था। तो पहले मेरा दिल कर रहा उसे पकड़ के घर ले जाऊँ, लेकिन मैंने बाद में मुझाया, तो बाद में वीडियो देखी, वीडियो नहीं बनी। गए अभी हम आए थे यहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना प्यारा सा खेत है। ये मेरे ख्याल में ना वो कहते हैं जवार का खेत होगा मेरे ख्याल में, अभी मुझे पक्का नहीं पता कौन सा है, लेकिन लग तो मुझे वही रहा है। कैसे तरह ना ये खूबसूरत लग रहा है पीछे से, वो ऊपर से ना वो फ्लावर वगैरह निकले हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है पीछे। तो आज मेरे हाथ से ना कछुआ जाता जाता आता आता रह गया। पहले रोड के दरम्यान में था, मैंने काफ़ी देर उसकी वीडियो बनाई लेकिन वीडियो नहीं बनी। तो जब वो झाड़ियों में जाके छुप गया तब मैंने जाके किया, तो वीडियो नहीं बनी। तो फिर दोबारा मैंने बनाने की कोशिश की, तो वो भाग गया। इतना बड़ा कछुआ था और पानी वाला कछुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दिल कर रहा था घर ले जाऊँ। तो मैंने कहा घर क्यों लेके जाएँ इस कछुए को, यार बेचारा
किसी से बिछड़ जाएगा या उसके जो असल हैबिटेट जिस यहाँ पे वो रहता है तो उस जगह से उठाना अच्छी बात नहीं है, तो मैंने उसे उठाया नहीं, तो मैंने उसे जाने दिया। मैंने सिर्फ वीडियो बनाई थी तो वो भी नहीं बनी। खैर तो अभी फ़िलहाल वापस चलते हैं घर, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो मैं वापसी भी देखूँगा कछुआ, अगर वहाँ पर मुझे नज़र आया ना तो आपको दिखाऊँगा कछुआ। तो अभी फ़िलहाल वापस चलते हैं। गैर अभी आ गया घर, तो वापसी भी मैंने वहाँ पे देखा था कछुआ हमें नहीं मिला, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने ढूंढा, तो वो मिलना भी गया था तो वो तो वापस ही चला गया था। सेम नहर है वहाँ पे बैठी तो उसकी तरफ मैं खैर वहीं से निकला था और वहीं पे वापस चला गया। तो खैर मैंने घर आकर बिजली को बताया, मैंने कहा मेरा दिल कर रहा था उसे साथ लाने का, मैंने कहा खबरदार ऐसी कोई चीज़ घर वापस ले गया, ऐसी चीज़ें बाहर से नहीं लेके आते। तो मैंने भी कहा हाँ ये बात तो ठीक है, बाहर से कोई चीज़ उठानी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने उठाई भी नहीं थी। वैसे मैं सोच रहा था कि यार कछुआ रखने का दिल कर रहा है, लेकिन मैंने कहा नहीं अगर लेना भी होगा ना बाजार से खरीद के लाएंगे तो वो रखेंगे, तो इस तरह नहीं उठाएंगे रास्ते में से किसी की चीज़, कोई भी चीज़ हो रास्ते से नहीं उठाएंगे, इंशाल्लाह ताला अपनी लेके आएंगे। गैर अभी टाइम हो गया तकरीबन 10:30, तो हम चले गए थे बाहर चाय वगैरह पीने के लिए, तो चाय पी के आ गए। तो बाहर जो है ना अब रातें जो है ठंडी हो गई हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता दिन भी ठंडे हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल दिन गर्म है, रातें जो है ठंडी हो गई, आज बारिश भी है ना इसलिए रात भी ठंडी है। तो फिलहाल अभी जो व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं जो व्लॉग है वो एडिट कर लूँ। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट कर दे। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।